बॉलीवुड स्टार सनी देओल ने अपने फिल्मी कैरियर में कई शानदार फिल्में दी। गदर स्टार की इन फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर कहर भरपाया। घायल से लेकर घातक तक कई फिल्में महीनों तक सिनेमाघरों से उतरी नहीं। हालांकि इस दौरान ही फिल्म स्टार ने कई फिल्मों को ठुकराया और अपने पैरों पर ही कुल्हाड़ी मार दी। एक्टर की छोड़ी हुई गई फिल्में बांध किसी और को स्टार बना दी और अपने नाम हिट फिल्म दर्ज करवा ली। आज हम लोग बात करेंगे उन 10 फिल्मों के बारे जिन्हें सनी देओल ने ठुकराई थी। दीवाना, ऋषि कपूर, शाहरुख खान, दीपा भारती स्टारर फिल्म दीवाना अपने वक्त पर एक बड़ी हिट फिल्म थी। आपको जानकारी हैरानी होगी कि इस फिल्म में ऋषि कपूर का किरदार एक्टर सनी देओल को ही ऑफर किया गया। हालांकि उस वक्त एक्टर कई फिल्मों में बिजी थे जिसकी वजह से उन्होंने ये फिल्म ठुकरा दी थी। त्रिमूर्ति, जैकी श्रॉफ, अनिल कपूर और शाहरुख खान की फिल्म त्रिमूर्ति थी, एक हिट फिल्म थी। इस फिल्म में अनिल कपूर के किरदार के लिए पहले सनी देओल को अप्रोच किया गया जिसे उन्होंने ठुकरा दिया था। कोयला, मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो शाहरुख खान और माधुरी दीक्षित स्टारर इस फिल्म के लिए फिल्म मेकर्स ने सनी देओल को अप्रोच किया, मगर फिल्म स्टार को इस फिल्म की कहानी पसंद नहीं आई और उन्होंने इसे करने से मना कर दिया। जानवर, अक्षय कुमार स्टारर फिल्म जानवर के लिए भी सनी देओल की पहली पसंद, मगर एक्टर ने यह फिल्म इसलिए ठुकरा दी क्योंकि वो ऐसा ही किरदार जीत में कर चुके थे। लाल बादशाह, मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो अमिताभ बच्चन की फिल्म लाल बादशाह के लिए भी मेकर्स ने सनी देओल को अप्रोच किया था, हालांकि किन्हीं कारणों से ये फिल्म उनके हाथों से निकल गई। बादल, बॉबी देओल स्टारर फिल्म बादल के लिए निर्माता निर्देशक सनी देओल को कास्ट करने पहुंचे थे। इस वक्त एक्टर के पास डेट्स की कमी थी, फिर सनी देओल ने निर्माताओं को अपने भाई बॉबी देओल के लिए ये फिल्म का सुझाव दिया, जिस पर मेकर्स तैयार हो गए और सनी की जगह फिल्म में बॉबी देओल की एंट्री हो गई। पुकार, मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो अनिल कपूर और माधुरी दीक्षित फिल्म पुकार में पहले सनी देओल की एंट्री होने वाली थी। उस वक्त ये एक्टर राजकुमार संतोषी के साथ विवाद हो गया जिस कारण से वो फिल्म का हिस्सा नहीं बन सके। लज्जा, इस फिल्म को ठुकराने की वजह निर्देशक राजकुमार संतोषी ही थे। रिपोर्ट्स की माने तो फिल्म में अजय देवगन के किरदार सनी देओल के लिए लिखा गया, बाद में फिल्म में अजय देवगन की एंट्री हो गई। केसरी, फिल्म स्टार अक्षय कुमार की फिल्म केसरी के लिए भी पहली पसंद सनी देओल ही थी। एक्टर ने उस वक्त फिल्म की कहानी में कुछ बदलाव की डिमांड की जिसे मेकर्स ने रिजेक्ट कर दिया और फिल्म अक्षय कुमार की झोली में गिर गई। सम्राट पृथ्वीराज, इतना ही नहीं, कुछ मीडिया रिपोर्ट्स का दावा है कि अक्षय कुमार स्टारर फिल्म सम्राट पृथ्वीराज के लिए हमेशा सनी देओल ही पहली पसंद। निर्देशक चंद्र प्रकाश द्विवेदी उन्हें ही लीड रोल में लेना चाहते थे। कई सालों तक दोनों एक्टर डायरेक्टर के बीच इस फिल्म को लेकर चर्चा चलती रही, मगर जब फिल्म के प्रोडक्ट सन ने यश राज फिल्म एंट्री हुई तो सनी देओल इस फिल्म से एग्जिट हुई।